ओम शांति दोस्तों। एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन अपनी ट्रेनिंग और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। वो अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करता है, अच्छे से अच्छी डाइट को फॉलो करता है और अच्छे से अच्छे टीचर के पास जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। तब कहीं जाके उसको एक सक्सेस मिलती है लाइफ में, मेडल्स मिलते हैं, अचीवमेंट मिलती है। क्या इन ट्रेनिंग्स में माइंड पावर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? अभी हाल ही में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, राजयोगा ट्रेनिंग फॉर माइंड पावर इन स्पोर्ट्स। जैसा कि ये नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि हम अपने माइंड की पावर को स्पोर्ट्स में कैसे यूटिलाइज करें, ये जो सेमिनार है ऑर्गेनाइज किया है ब्रह्म कुमारी एंड स्पोर्ट्स विंग, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और इसमें उनका पूरा साथ दिया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये दोनों का मिलकर एक प्रयास था, ओवरऑल थिंकिंग लेके आए हैं कि किस तरह से राजयोग ट्रेनिंग्स हैं वो एथलीट्स को फायदा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सेमिनार को। डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल बहुत जरूरी है,
टेक्निकल भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो सबसे ऊपर है मेंटल फिटनेस। अगर आपने बहुत सारी तैयारियां की है और मान लो आप नर्वस हो, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग और होगी कि लास्ट मोमेंट में आपको प्रेस में आने से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो उसके लिए मैंने चार्ट बनाया, ये चार्ट इसमें आप देखेंगे राउंड फिगर बनाई है। ये पूरा ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आप नीचे वाला है साकार दुनिया और इसके ऊपर है निराकार दुनिया। साकार दुनिया में सन से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी फिजिकल आंखों से आसमान तक देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी थर्ड आई है सोल, उसके द्वारा हम सोल वर्ल्ड तक भी कनेक्ट कर सकते हैं, सुप्रीम सोल। तो पूरे वर्ल्ड को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ज्ञान सूर्य से, और साकार दुनिया को जो हाथ की दुनिया है जो हमें दिखाई देती है वहाँ ऊर्जा मिलती है सन से। तो ये जो हम कनेक्ट करते हैं सोल को सुपर सोल से, सुपर माइंड से, तो हमारे माइंड के अंदर एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। 1937 में स्टार्ट हुआ था ये राजयोग कोर्स, 7 लेसन है और 3 दिन की ट्रेनिंग। और भीड़ नहीं करोगे, लोगों के इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई मैराथनर्स को जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे हम लोगों ने उनको विजुलाइज कराया, मेडिटेशन कराया और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ी। तो ये जो चार्ट है इसको शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि कैसे सोल के अंदर एनर्जी आती है जब हम सुप्रीम सोल से कनेक्ट करते हैं थ्रू राजयोग। जागृत मन, अर्ध जागृत मन, चेतन मन, अचेतन मन, और दोनों में 10:90 का रेशो है। हमारा जागृत मन 10% कंट्रोल करता है हमारी लाइफ, 90% हमारी जो लाइफ है वो इनर माइंड से कंट्रोल होती है। तो हमें इसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया की जितनी भी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है, लेकिन राजयोग से सब नीचे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम माइंड से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा। सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो हमारे पूर्वजों को होती थी। दूसरा है विजुअलाइजेशन, थर्ड वन इज अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन का अलग से 45 मिनट का सेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। थर्ड वन अफर्मेशन, मोहम्मद अली सेड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स अफर्मेशन लीड्स टू फेथ। आप अच्छा नहीं कर पा रहे, कोई आपको डाउन कर रहा है, हम लोग ये अफर्मेशन के द्वारा अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट। अपने आप से बात करके हम अपनी कैसी भी वीकनेस को, कैसी भी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और पांचवा है साइलेंस। जितनी भी दुनिया की इन्वेंशन हुई है, निकोला टेस्ला है, थॉमस एडिसन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो सब साइलेंस के लिए कहते हैं कि कुछ टाइम साइलेंस में रहने से। ईगो, किसी भी टाइप की ईगो, पैसे की, बैकग्राउंड की, पद की, जैसे हम अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, कितने सिंपल लाइफ उन्होंने जी, तो ऐसे लोगों से हम सीख लें। फियर, ग्रीड, लेजीनेस एंड लस्ट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। आत्मा की जो शक्ति है और जो बढ़ती है नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, इनके ऊपर 7 सेशन हैं जो हमारे आश्रम में दिए जाते हैं। तो वो निःशुल्क है, वो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे ही ब्रांचेज हमारे पूरे इंडिया में 100 सेंटर्स हमारे दिल्ली के अंदर है। 16 घंटे की क्लास होती है, बाकी टाइम अलग अलग वर्ग की सेवाएं होती है। स्पोर्ट्स विंग सबसे लास्ट में बनी है, और पीयूष जी और भी बहुत सारे लोग थे जो कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये माइंड थॉट की ट्रेनिंग कराओ, राजयोग कराओ, तो हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इसीलिए हम एडवांस ट्रेनिंग के लिए मौका भी भेजते हैं। आप में से जो भी मौका होना चाहे एक ब्रोशर लेके जाएंगे, हम अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 19 से 23 अगस्त हमारा कॉन्फ्रेंस है, उसमें फीस कोई नहीं है, लेकिन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं संस्थान है, क्योंकि 500 रुपीज पर मेंबर अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ जाता है। तो 2,000 to 3,000 रुपीज यू कैन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट।
अगर किसी की प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड बहुत पुअर है, तो दे कैन मीट एंड ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं। ये कॉन्फ्रेंस के लिए आपको निमंत्रण है। आपका फोकस बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार, और आपकी पूरी टीम का शानदार। आप लोगों ने हमें बुलाया, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, और जब जब भी समय समय पर हमें मौका मिलेगा आप बुलाएंगे तो हम निश्चित रूप से आएंगे। सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमार जी का बहुत आभारी हूँ कि मैं काफ़ी देर से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और स्पेशली डॉक्टर जगदीश सिंह, तो इन्होंने जब हम खेलते थे तो महावीर जी और हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कोर्स एडवांस कोर्स करवाया सभी कोचेज के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता है। तो कोच के लिए हमारे वक्त में ये माइंड ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ एलीट एथलीट वाज नॉट देयर व्हेन वी वर डूइंग एडवांस कोर्स। तो फिर हमें बताया गया कि तुम सिर्फ फिजिकल, टेक्निकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो, दिमाग की ट्रेनिंग आप नहीं करते, हमें तो बताया नहीं कि इसके बारे में क्या। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट कोर्स वी केम टू नो दैट there is some power which governs your body movements, उसको mind कहते हैं या brain कहते हैं। कि holistic development of an athlete includes your body, mind and soul. इन सब चीजों से फिर हमने यही देखा as a observer जाने का मुझे पता, to visualize what are the reasons of downfall of Indian sports. कि हम शारीरिक तैयारी करते थे, दिमागी तैयारी नहीं करते थे, और वहां जाकर हमें इतना फेसिंग शांति बहन को तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं ही बता दूं कि जो भी अभी आप लोगों ने जो कुछ भी सुना, जगवीर भाई से सुना, सुमित्रा जी से सुना, अभी गुरी जी से सुना, महावीर जी तो खैर कमाल के हैं, इनसे सुना, और अब आप इनसे सुनेंगे, मैं उसका जितना जाता उपहार है। मैराथन में जो 42 किलोमीटर की रेस होती है उसमें एशियन गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, 26 कंट्रीज में मैंने 50 गोल्ड मेडल, 13 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज जीते हैं। योग के साथ माइंड पावर, तो जैसा इन्होंने कहा मेडिटेशन, तो मैं अपने काम को मेडिटेशन मानती रही, मतलब रनिंग को। उसके बाद विजुअलाइजेशन, हम रेस से पहले ही विजुअलाइज करते हैं। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होती है। एफर्मेशंस, आज भी मैं अपने खिलाड़ियों को एफर्मेशन कराती हूँ, ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुलाइजेशन, सेल्फ टॉक और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से होता है। थैंक यू सो मच। ये ही जरूरी नहीं है कि आप बाधा उठाइए, घूमने के लिए और दिन रात लगे रहिए, पहाड़ा बनाइए। और खिलाड़ी को बताओ नहीं कि आज सिर्फ स्ट्रेचिंग करने, दर्द पीड़ने से इनसे काम नहीं बनेगा, आपको अपने दिल दिमाग सब बिल्कुल तंदुरुस्त रखना। थैंक यू। का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। थोड़ा कार्यक्रम हमारा लेट रहा, लेकिन वो मेडिटेशन जब करके हम लोगों ने ऊर्जा का अनुभव किया है तो सब अच्छा हो गया है। तो मैं आभारी हूँ हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी मासी राव सर का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको टाइम दिया और यहाँ पूरा समय हमारे साथ दिया। मुझे हमेशा आप सब लोगों को जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं हमारे अच्छीगढ़, उनके साथ काम करके और उनके साथ रह के अच्छा लगता है। हमारे आज के मुख्य विशेषज्ञ रहे डॉक्टर कुलदीप सिंह सर, डॉक्टर सुनीता सोलारा मैडम, राजेंद्र साजवा सर और कल्पना जोशी मैडम, इन सभी लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया और सभी ने ध्यानपूर्वक बातें सुनी आपकी, और उम्मीद है कि हम लोग इन सब चीज़ों को मैं आशा करता हूँ आपको इस सेमिनार में जितनी भी बातें बताने की कोशिश हमने की है वो कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ डिफरेंट लगा होगा।
अगर इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, वो हमने सारे दिए हैं। और अगर इनमें आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी एक्टिविटीज़ के बारे में और डिटेल्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज को और ब्रह्म कुमारी स्पोर्ट्स विंग के फेसबुक पेज को। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। ओम शांति।